जय माता दी, जय माता दी। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। उसे प्रसन्न होकर जुगति नाशी दुर्गा ने कहा, देवता मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ, तुम्हारे जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी हमारे शत्रु महिषासुर की जो 3 लोगों के लिए कंटक था आपने मार डाला, इसे संपूर्ण जगत स्वस्थ और निर्भय हो गया। आपकी कृपा से हमें पुण्य पुण्य अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों लेकर वृक्ष हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, तब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है, हमें सब कुछ मिल गया तथा आपकी आज्ञा है, इसीलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी कौन सा ऐसा उपाय जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करते हैं। देवेश्वरी यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरी 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली 3 लोगों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है, यह रहस्य रूप है, इसे बदलाती हूँ, सुनो। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गपद निवारणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गसाधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारणी दुर्गनियंत्री दुर्गमापा दुर्गमदा दुर्गजात लोक दावानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपणी दुर्गमा प्रदा दुर्गविद्या दुर्गमा शीता दुर्गम ज्ञान संसताना दुर्गवद्यान वासिनी दुर्गमा दुर्गमगा दुर्गमात स्वरूपणी दुर्गमा सुरसयंती दुर्गमा धारणी दुर्गमागी दुर्गमता दुर्गमय दुष्यंती दुर्गमा दुर्गभामा दुर्गवादुद्राणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नावाला का पाठ करता है वह निसंदेह प्रकाश से भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रु से पीड़ित हो अथवा दुर्वेद बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है, इसमें तभी भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे कि युद्ध में शत्रु द्वारा मनुष्य गिर जाए तो वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतु के चंगल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भय से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समान भयनाशक उपाय दूसरा कोई नहीं है। देवगण इस ना वाले का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त नास्तिक और शट मनुष्यों का इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर इस नावली का 1000, 10000 अथवा 1,00,000 बार पाठ करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा 1,00,000 बार आह्वान करें। जो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है, इस नावला का पुनुष्य 30,000 का है। पुनुष्य पूरा पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे, 8 भुजाओं में क्रमशः गदक खड़क त्रिशूल बाण धनुष कमल खेत और पुदंगा धारण करावे। मूर्ति के मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्रों से लाल वस्त्र बनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और सूर से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करें। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करें और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करें। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावें। इस प्रकार करने से मनुष्य साध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा क्या कि जद्मा वही अंतर्ध्यान हो गए। दुर्गा जी के सुनते हैं, उन पर विपत्ति तो कोई आती नहीं।